हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग मुंबई अमेरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन ढोकला। बेसन ढोकला बनाने के लिए ये मैंने 1 कप बेसन लिया है। 1 कप ही हम इसमें लस्सी का इस्तेमाल करेंगे। 2-3 हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 नींबू का रस है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सबसे पहले हम ढोकला बनाने के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए हम इसके अंदर ये लस्सी डालेंगे, 1 टेबलस्पून नमक और 1 पिंच हम इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे। मैंने येलो फूड कलर लिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को हमें अच्छे से फेंटना है। ये देखिए, अब हम इसके अंदर 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। और इसे लगातार चलाते हुए फेंट लेंगे। ये देखिए, बैटर हमारा बढ़िया बन चुका है। ये हम इसे ढककर रख देंगे 20-25 मिनट के लिए। ये हमने एक बड़े बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर हमने एक छोटा स्टैंड भी रखा है। इसके अंदर हम ढोकला रखेंगे और स्टीम करेंगे। हमारा पानी गर्म हो रहा है, आइए तब तक हम ढोकला बैटर चेक कर लेते हैं। पानी हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है और ये मैंने केक टिन लिया है, इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। ये हमने केक टिन रेडी कर लिया है ग्रीस करके। ये देखिए, इसके अंदर हम ढोकला बैटर डालेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, आइए ढोकला बैटर को चेक कर लेते हैं। बैटर हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 पाउच मैंने इनो का लिया है, ये फ्रूट सॉल्ट है, इसे भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको फटाफट मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे कंटेनर में डाल लेते हैं और फटाफट हम इसे स्टीम होने के लिए रख देते हैं। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर ढोकला बैटर को स्टीम होने के लिए रख रहे हैं। इसे हमें 15-20 मिनट के लिए स्टीम होने देना है, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। ढोकले के लिए पानी रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है, इसके अंदर मैंने ये राई डाली है, राई को हम चटकने देते हैं। राई हमारी चटक चुकी है, अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। वन एंड हाफ कप मैंने इसके अंदर पानी लिया है, पानी को थोड़ा बॉईल होने देते हैं। पानी हमारा बॉईल हो चुका है, अभी मैंने 2 कटी हुई हरी मिर्चें ली है, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून चीनी, चीनी को मिक्स होने देते हैं।
चीनी मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके अंदर हाफ टेबल स्पून नमक और एक नींबू का रस ऐड करेंगे और 2-3 मिनट तक इसे बॉईल होने देंगे। ये देखिए हमारे जो पानी है वो एकदम से रेडी हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको बाउल में निकाल के रख लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, आइए हम ढोकला को चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया हमारा ढोकला दिखाई दे रहा है। अभी इसको हम 4-5 मिनट के लिए और स्टीम करेंगे। ढोकला रेडी हो चुका है, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ढोकला बनकर रेडी हुआ है और एकदम से हमारी टूथपिक भी साफ है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें से ढोकला निकाल के ले लेते हैं। साइडों से हम चाकू से इसकी किनारियां कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा कितना स्पंजी ढोकला बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। अब हम इसको पीसेस में कट कर लेते हैं। देखिए कितना आराम से कट रहा है, ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी हमारा ढोकला बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसकी डेकोरेशन करते हैं। ये देखिए हमने ढोकला को रख लिया है प्लेट में और अब हम इसके ऊपर मिर्ची और राई वाला जो हमने पानी रेडी करके रखा था वो पानी डालेंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा ढोकला दिखाई दे रहा है, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी बना है। आप इसे बनाइए खाइए। ये हमने धनिया पत्ती से इसको डेकोरेट किया है और देखिए हमारा जो ढोकला है वो कितना बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। आप इसे बनाइए खाइए और मुझे बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू।